जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिवा शौर्य पढ़ाएंगे। साजि चतुरंग सैन अंगमय उमंग धारी सर जा शिवा जी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नद बिहद नगरन के नदी नद मद गबरन के रलत है। अल फल खल भल खल कम गल गल गजन की ठल पल सल उल सत है। तारा सो तारानी धुरी धारा में लगत जिमी अथारा पर पारा पारा वार यो हलत है। तो आइए बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। साज चतुरंग, साज माने सजा करके और चतुरंग माने चार प्रकार की सेना, पैदल घुड़सवार रथ सवार और हाथी सवार गज सवार। अंग माने अंग, मैं उमंग, धार माने धारण करके, उमंग माने उत्साह धारण करके, सरज माने होता है शिवाजी की उपाधि यानी बहुत वीर, और शिवाजी अजंग माने युद्ध जीतन चलत है। साज चतुरंग सैन अंग मय उमंग धारी और सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण कहते हैं कि सरजा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना पैदल हाथी घोड़े और रथ को सजाकर तथा अपने अंग अंग में उत्साह का संचार करके युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। अब भूषण भनत नाद बिहद नगारन के और नदी नदमत गयबरन के रलत है। बिहद माने बहुत अधिक, नाद माने आवाज और नगारन माने नगाड़े और नाद माने आवाज, भनत माने बहुत ऊंचे स्वर है ना, और नदी और नद माने नाले और मद माने होता है हाथियों के नीचे जो यहाँ पर बहता है उसको मत कहते हैं। भूषण कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था। हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद, हाथी जब उन्मत्त होता है तो उसके कान से एक द्रव स्रावित होता है उसे मद कहते हैं। नदी नालों की तरह बह रहा था अर्थात शिवाजी की सेना में मदमस्त हाथियों की विशाल संख्या थी और युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों की कनपटी से अत्यधिक मद गिर रहा था जो नदी नालों की तरह बह रहा था। आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल और गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। सैल माने पहाड़, उलसत माने उखाड़ना और खलक माने संसार और खैल भैल माने खलभली। शिवाजी की विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण, आयल फैल माने फैल गए है ना, फैल जाने के कारण संसार में एक साथ खलभली मच गई। और तारा सो तरन 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 माने सूर्य, तारा माने नखत, तारा माने नखत, तरन माने सूर्य और धूर माने मिट्टी और धारा माने धारा, लगत जीवित थारा माने थाली पर पारा, पारा माने क्या होता मरकरी पारा, और पारावार यो हलत है। पारावार माने होता है समुद्र। हाथियों की धक्का मुक्की में पहाड़ भी उखड़ रहे हैं, सैल उलसत है, पहाड़ भी उखड़ रहे हैं और विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी। तो बता चुके हैं अधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान लग रहा था और सेना के भार से पृथ्वी के कांप उठने से समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, मरकरी हिलता है। तो देखिए बच्चों शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना के प्रस्थान का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। सेना के चलने और हाथियों के मद गिरने और धूल के उठने से सूर्य और समुद्र के वर्णन में अतिशयोक्ति हाइपरबोल अतिशयोक्ति का आश्रय लिया गया है। भाषा या साहित्यिक परिभाषा शैली मुक्तक अलंकार अनुप्रास अतिशयोक्ति उपमा उत्प्रेक्षा एवं पुनरुक्ति प्रकाश और बच्चों रस्तवीर ही है। गुण ओज अछंद मनहर कवित्त। एक बात और है, पुरानी किताबों में उलसत है लेकिन नई किताबों में उसलत है। उसलत माने उसलना है ना, तो इसका मतलब होता है उखड़ना। बाने पहाड़ा ने घारा ने घंटा गजन के नाही ठहरा ने रवारा ने देश दे सके,
नगभरन क्रम नगर परन सुनी बाजत निशाने शिव राजा जू नरे सके। हाथी न के हौदाऊ कसाने कुंभ कुंजर के भवन को भजन अली छूटे लटा के सके। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे अकेरा के से पत बिहरन फन से ससे। बाने फहराने घराने घंटा गजन के और ना ही ठहराने रावराने देश देश के। बाने माने होता है झंडे है ना, और फहराने माने फहराना, और घराने माने होता बहुत अधिक ध्वनि से बजने लगे है, और गजन माने हाथियों के, और ना ही ठहराने माने नहीं स्थिर हुए, और रावराने माने राजा लोग है ना देश देश के। तो कवि भूषण कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि वीर सेनानी शिवाजी के झंडे फहराने लगे और हाथियों के है ना, और घरारे घंटा गजन के और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। या देखकर विभिन्न देश के राव, राव माने राजा, विभिन्न देश के राजा और राणा यानी शासक ठहर नहीं सके, अर्थात सभी राव एवं राणा भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के उपाय करने लगे। उनको शंका हो गई छत पर शिवाजी मेरे ऊपर कहीं आक्रमण ना कर दे, तो जितने राजा रहे सब भयभीत हो गए। नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिव राजजू नरेश के। नग माने पहाड़, नग माने प्रत्येक भी होता अनेक अर्थी शब्दों में। भहराने माने हो गया टूट गए, अब पराने माने भागने लगे, आने निशाने माने होता है झंडा या घरियार जो बाजते हैं है ना शिवराजजू नरेश के। तो शिवाजी की सेना, शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए और आसपास के गांव में रहने वाले व्यक्ति ये कहकर भागने लगे, पर आने वाले भागने लगे कि वीर शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं है ना। तात्पर्य यह है कि शिवाजी के नगाड़ों की धुन सुनकर ही लोग अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। हाथिन के हौदा वो कसाने कुंभ कुंजर के और भवन को भजाने अली छूटे लटकेश। कुंजर माने होता है हाथी, कुंजर माने हाथी, और कुंभ माने होता है हाथी का मस्तक है ना, और फिर इसके बाद भवन माने मकान, अली माने होता है भवरा, और केस माने होता है बाल। हाथियों की तीव्र गति का, यानी हाथी इतनी तेजी से दौड़ रहे थे, हाथियों की तीव्र गति का वर्णन करते हुए कवि भूषण लिखते हैं कि हाथियों की तेज चाल से उनके हौदे ढीले पड़ गए, जो उनके पीठ में कसे हुए थे, जिनके ऊपर महावत वगैरह सेनापति वगैरह बैठते हैं, सेनापति बैठते हैं, हौदे ढीले पड़ गए और हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद पर जो अनेक भौरे मड़रा रहे थे वे उनकी तेज चाल के कारण वहां से भागकर अपने अपने घर यानी वन प्रदेश को, जंगल को जाने लगे। अली छूटे लटके सके, अली माने भौरा, तो उस समय उड़ते हुए भौरे ऐसे लग रहे थे मानो लटों के यानी बालों के खुल जाने पर केस यानी बाल इधर उधर लहरा रहे हों। उन भौरों को बाल कहा गया, उन भौरों को बाल कहा गया है। और दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे और केरा कैसे पात बिहराने फन से सके। और दल माने होता समूह और दरारन ते माने धक्कों से है ना, कमठ माने कछुआ और करारे माने कठोर और फूटे माने फूट गए और बिहराने माने फट गए, बिहराने माने फट गए और फन माने फट, शेष माने शेषनाग के। तो शिवाजी की सेना के चलने से पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की कठोर पीठ भी खुल गई, यानी जो हमारी पृथ्वी कछुए की पीठ में है तो पृथ्वी इतनी तेजी से हिली कि कछुआ की पीठ भी खुल गई और शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए, केले के पत्ते के समान फट गए। वाह कितना बढ़िया वर्णन किया। तो वीर शिवाजी की सेना के प्रस्थान करते समय उसके प्रभाव से उत्पन्न आतंक का मनोहारी वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि धरती कछुए की पीठ और शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है और शिवाजी की सेना इतनी विशाल थी उसके चलने की धमक से पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की पीठ टूट गई है ना, और शेषनाग के फन फट गए।
चित्रात्मकता, यानी अब यहां पर कवि ने एक मस्तिष्क पर चित्र उत्पन्न कर दिया। पदमैत्री तथा नाद सौंदर्य सर्वत्र विद्यमान है। भाषा बच्चों परिभाषा शैली मुक्तक अलंकार उपमा अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया और पुनरुक्ति प्रकाश एवं उत्प्रेक्षा रस या वीर और भयानक वर्णन किया गया। गुण ओज छंद यहाँ पर मनहर कवित्त। इसके बाद देखिए छूटत कमान बान बंधु करू को कबान अमुशकिल हो तमूर चना हु की ओट में ताही समय शिवा राजा हुकुमक हल्ला की ओ दवा बांधी द्वेषी न पे बीरन ले झोट में भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो अकीमती इहाँ लगी है जाकि भट्ट झोट में तावो दई दई मूछ न कंगूर न पे पाव दई दई और घाव दई दई आरी मुखा कूदी पर कोट में। तो बच्चों यहाँ पर छूटत कमान बान बंधु करू कोक बान मुश्किल हो तमूर चना हो की ओट में। तो बच्चों कमान माने होता है धनुष और कोक बान माने एक प्रकार का बाण जिसे चलाते समय विशेष शब्द होता है, निकलता है शब्द, आवाज निकलती है। और मूर्चनहु माने होता है मोर्चा। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं, है ना। तो भूषण कवि कहते हैं कि शत्रुओं की ओर से भयंकर धनुष बाणों, बंदूकों तथा कोक बाण नामक भयंकर शब्द वाले बाणों की निरंतर हो रही भीषण बौछार में मोर्चे की ओट में भी, यानी आड़ लेने पर भी मोर्चे के ओट में भी अपनी रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। और ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो अदावा बांधी द्वेषन पे बीरन ले जोट में। तो यहाँ पर दावा बांधी माने होता है गर्जना करके और द्वैसिन पै यानी शत्रुओं पर और जोट माने होता है मुकाबला। ऐसे भीषण युद्ध के समय में महाराज शिवाजी ने अपनी सेना के चुने हुए वीरों को साथ लेकर शत्रु को ललकारते हुए गर्जना के साथ आक्रमण का आदेश दिया। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो को हो कीमत यहाँ लगी है जाकी भट्ट झोट में। तो कीमत माने कीमत और जाकी माने जिसकी और भट माने वीर और झोट माने समूह। तो कवि भूषण आगे कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी तेरी उस हिम्मत का वर्णन कहाँ तक करूँ जिसकी वीरों के समूह में कोई कीमत ही नहीं है। कहने का आशय यह है कि शिवाजी की हिम्मत अकथनीय और वीरों के समाज में अत्यधिक सम्माननीय है। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे और घाव दे दे आरी मुख कूदी पर कोट में। कोट माने किला, है ना। हे शिवाजी तेरी सेना के दुर्धर्ष वीर यानी बहुत बड़े वीर अपनी मूछों पर ताव दे देकर और शत्रु के किले के कंगूरों पर पैर रख रख कर शत्रु सैनिकों को घायल करके अथवा मार कर किले के अंदर कूद पड़ते हैं। देखिए भूषण एक दरबारी करते हैं, ये छत्रपति शिवाजी के खुद दरबार में रहते थे इसलिए खुद ये युद्ध में जाते थे। तो भूषण ने स्वयं युद्धों को अपनी आंखों से साक्षात रूप में देखा था, इसीलिए वे युद्ध का ऐसा ओजपूर्ण और स्वाभाविक वर्णन करने में सफल रहे हैं। भाषा बच्चों वही ब्रजभाषा शैली मुक्तक, है ना। गुण यहाँ पर ओज कर देना। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेर दुगध नदि सको अभूषण भनत सुर सरित को हंस हेर अभिधि हेर हंस को चकोर रज नि सको साहितन सर जयो करनि करि हेतै वे हो तो है अचंभो देव कोटियो तति सको पावत न हेरे तेरे जस में हीरा ने निज गिरी को गिरी से हेरे गिरी जा गिरी सिको गिरी को गिरी से हेरे गिरी जा गिरी सको। तो यहाँ पर बच्चों इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदी सको। दुगध नदी माने होता है क्षीर सागर और हेरत माने खोजते हैं, गज इंद्र माने ऐरावत हाथी, ये ऐरावत हाथी है हाँ इंद्र का। अनुज माने कौन होता, विष्णु भगवान। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोजते फिर रहे हैं, है ना। इंद्र को अनुज, इंद्र के अनुज कौन है, विष्णु भगवान। और हेरे दुर्गध नदीश को समुद्र को ये जो है क्षीर सागर को खोज रहे हैं क्योंकि विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में।
और इंद्र किसके ऊपर सवारी करते, ऐरावत हाथी में, इसलिए सब अपने अपने मनपसंद चीजों को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे और विधि हेरे हंस को चकोर रज नी सको। भूषण कवि कहते हैं कि हंस 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 पक्षी और सुर सरिता क्या होता, मान सरोवर जहाँ हंस पक्षी रहते हैं। भूषण कवि कहते हैं कि हंस मान सरोवर यानी सुर सरिता यानी देव नदी जिसको कहते हैं भाई, है ना, को खोज रहा है। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को और चकोर चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं। साहित्य ने सरजा यो करनी करी है तब अहोत हो अचंभो देव कोटियो तैतीस को। हे शाह जी के पुत्र शिवाजी, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। और पावत ने हेरे तेरे जस में हीरा ने निज और गिरी को गिरी से हेरे गिरिजा गिरी सको। तो जस मने क्या होता है, यश, यहाँ यश की बात कहा गया। इतना बड़ा यश है छत्रपति शिवाजी का, इतना बड़ा यश है कि सब तुम्हारे यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर जी बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं और गिरिजा गिरीश को, तो पार्वती जी शंकर भगवान को खोज रही हैं। यश का रंग यानी कीर्ति, फेमस, प्रसिद्धि, यश का रंग सफेद माना गया है, इसलिए भूषण ने शिवाजी के उज्ज्वल एवं सफेद श्वेत वश में अनेक वस्तुएं समाहित कर दी है। यह भूषण की सूक्ष्म दर्शनी दृष्टि एवं अनुपम प्रतिभा का परिचय मिलता है। देखिए यश क्या होता, सफेद जिनका जिंदगी बेदाग हो, तो सफेद चारों ओर उनका यह सफेद है और सारी सफेद चीजें, हंस भी सफेद, हिमालय बर्फ से ढका वो भी सफेद, सब खो गए, इसलिए सब अपने अपने को ढूंढ रहे हैं। प्रेतनि पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है, भैरव भूत प्रेम भूरी भूधर भयंकर से जुथ जुथ जोगिनी जमात जोरी आई है। किलक किलक के कुतूहल करती काली, डिम डिम डमरु दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिवा सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है, काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। तो बच्चों प्रेतनी पिशाच और निशाचर निशाचर हूँ और मिली मिली आपस में गावत बधाई है। महाकवि भूषण कहते हैं कि प्रेतनिया पिशाच राक्षस राक्षसिनिया राक्षसियाँ परस्पर मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि आज तो हमें बिना प्रयास के भरपूर भोजन मिल गया है, आज सब छक कर जी भर करके पूरी तरह तप्त हो जाए, चारों ओर लाशें बिखरी हुई हैं, इसलिए सब मनपसंद भोजन करेंगे, इसलिए सब खुश हैं। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से और जुथ जुथ जोगिनी जमात जोरी आई है। जुथ माने झुंड, है ना, और भूधर माने पर्वत, तो अत्यंत विशाल काय, बड़े बड़े शरीर थे उन राक्षस राक्षसियों के, भूत प्रेतों के, तो अत्यंत विशाल काय पर्वतों के समान भयंकर भैरव भूत प्रेत तथा योगनिया बड़े बड़े झुंडों में, है ना, जमात यानी दल यानी समूह बनाकर वहां एकत्र हुए हैं। और किलक किलक के कुतूहल करति काली और डिम डिम डमरु दिगंबर बजाई है। माँ काली खुशी और कुतूहल के मारे, एक्साइटमेंट उत्सुकता, कुतूहल के मारे किलकारियां मार मार कर क्रीड़ा कर रही, खेल रही, क्रीड़ा माने खेल रही, तथा भगवान शिव डिम डिम करके अपना ढमरू बजा रहे हैं। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। शिव माने शंकर जी और शिवा माने पार्वती, है ना, और यहाँ शिवा और कौन है, छत्रपति शिवाजी। तो यहाँ पर देखिए माता पार्वती भूत प्रेत आज शिवगढ़ों को जाते देखकर भगवान शिव से पूछती हैं कि आज तुम्हारा भूत प्रेतों का समूह कहाँ जा रहा है, क्या महाराज शिवाजी ने किसी राजा पर अपनी भाव टेढ़ी की है, अर्थात क्या शिवाजी महाराज ने क्रोध में भरकर किसी राजा पर आक्रमण किया है जिससे उसकी सेना का भीषण संहार जानकर आपका ये प्रेत समूह अपनी भूख शांत करने के लिए वहां के लिए कूच कर रहा है, यानी जा रहे हैं सब,
जा रहे हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर महाराज शिवाजी के अप्रतिम शौर्य वीरता का परोक्ष वर्णन किया गया, भूत प्रेतादि को शिव का अनुचर माना गया, शंकर जी के अनुचर माना गया, उनके अनुचर मांस भोजी हैं, मांस खाते हैं, इसीलिए वे शिवाजी द्वारा किए गए शत्रु संहार पर भूत प्रेत अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें आज भरपेट मांस जो खाने के लिए मिला है। संभवतः भगवान शिव भी इसीलिए प्रसन्नता से डमरू बजा रहे हैं कि उनके अनुचरों की आत्माएं आज इच्छित भोजन यानी इच्छा भर के भोजन प्राप्त कर तृप्त हो जाएंगी, है ना। तो बच्चों यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा शैली मुक्ता ये लिख लेना। धन्यवाद बच्चों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करो जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और कमेंट कर देना जरूर कि वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।